कोरोना महामारी में भी नहीं थमा दुष्कर्म। कोरोना महामारी में भी उत्तराखंड में बलात्कार के अपराधों सहित विभिन्न अपराधों में पिछले वर्षों की अपेक्षा इजाफा हुआ है, जबकि हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसे गंभीर अपराधों में कमी आई है। ये खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से हुआ। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के लोक सूचना अधिकारी से अपराधों से तुलनात्मक आंकड़ों के विवरण की सूचना मांगी। उपलब्ध सूचना के अनुसार 2020 में कुल 16,116 अपराध हुए, जिसमें 11,478 भारतीय दंड संहिता तथा 4,638 अन्य अधिनियमों के शामिल हैं। वहीं RTI में ये भी खुलासा हुआ कि कोरोना काल 2020 में जहां लूट, चोरी, डकैती, हत्याओं में कमी आई, तो वहीं महिला दुष्कर्म, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में इजाफा हुआ है। नवभारत समाचार काशीपुर से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। जो है हमने 3 वर्षों के जो है आंकड़े मांगे थे अपराधों के, हमने हमें ये आंकड़े दिए हैं जिसमें 2020, 19 और 18 के तुलनात्मक आंकड़े हैं, जिसमें 2020 में कोरोना काल रहा कुल 16,116 अपराध हुए, जिसमें 11,478 अपराध जो है भारतीय दंड संहिता के और 4638 अपराध अन्य अधिनियमों के। अब एक और चिंता की बात है कि बलात्कार की जो घटनाएं हैं वो खाली मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो रही, उत्तराखंड के शांत पहाड़ी जनपदों में भी हो रही हैं। 2020 में सर्वाधिक बलात्कार, ये बात ठीक है कि उधम सिंह नगर में हुए, 141 जो है बलात्कार की घटनाएं हरिद्वार में दर्ज हुई और 118 देहरादून में हुई, जबकि देहरादून जो है राजधानी है, उसके बावजूद भी देहरादून में उधम सिंह नगर से कम अपराध दर्ज हुए, उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज हुए। जो गंभीर बाकी गंभीर अपराध हैं उसमें कमी आई। हाँ देखिए, अपराध अगर कोई वृद्धि होती है तो इसका मतलब ये है कि अपराध जो नियंत्रण की व्यवस्था है हमारी वो कहीं ना कहीं उसमें चूक है, नहीं तो जो है अगर शीघ्र इसका अन्वेषण होगा और उसे सजा मिलेगी तो वो अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा, जबकि बलात्कार जैसे अपराध में बहुत सख्त कानून है। ऐसे सख्त कानून होते हुए भी अगर अपराध हो रहे हैं तो जो है बड़ी चिंताजनक बात है। देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये होती है हमारी कि जो भी महिला संबंधी अपराध होता है कि तत्काल उसका संज्ञान लेकर और उसको पंजीकृत किया जाए और तत्पश्चात उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। अब क्योंकि देखिए, जो महिला संबंधी अपराध हैं आपने भी देखा होगा कि उसमें अधिकतर लोग, मेरा मानना है कि 60-70% लोग जो है उसमें जानकार या उनके निकट संबंधी का ही हाथ होता है, तो लिहाजा ऐसे अपराध को रोक पाना जो है कई बार संभव नहीं हो पाता। इस वजह से जो है इनमें बढ़ोतरी भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो हमारे द्वारा जो है तत्काल महिला संबंधी अपराध को रजिस्टर किया जाता है और तत्काल उसमें सख्त से सख्त जो वैधानिक कार्रवाई वो तत्काल की जाती है, और निकट भविष्य में भी सारे जो हमारे मातहत कर्मचारी हैं, SHOs, SOs हैं, उनको भी ये निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी महिला संबंधी अपराध है उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, तत्काल उसका संज्ञान लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।